मिर्जापुर की ओर ले चलते हैं, जहां सरकारी नाली होने के बावजूद भी कई काश्तकारों की भूमि की सिंचाई नहीं हो पाती है। बताते चले, उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर थाना लालगंज व तहसील अंतर्गत ग्राम बसही खुर्द में सरकारी नाली होने के बावजूद भी कई काश्तकार अपने भूमि की रोपाई व फसल की सिंचाई दो वर्षों से नहीं कर पा रहे हैं। यहां के असिंचित काश्तकारों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि पहले हम लोग किसी प्रकार के एक दूसरे के खेत के माध्यम से सिंचाई कर लिया करते थे, लेकिन अब दो वर्षों से फोर लेंथ बन जाने के कारण पानी का आवागमन बंद हो चुका है, जिस कारण सिंचाई नहीं हो पाती है। और बताया गया कि फोर लेंथ में सरकारी नाले के स्थान पर बम्बा लगा दिया गया है, ताकि पश्चिम साइड के लोगों की सिंचाई आसानी पूर्वक किया जा सके। लेकिन समस्या इस बात की है, फोर लेंथ में लगा बम्बा तक पानी पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि सरकारी बनी कच्ची नाली पूर्व साइड काश्तकारों के द्वारा जगह जगह पर जोता जा चुका है, जैसा कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और बताया गया कि इस नाली व चक्रोड की नापी कई बार की जा चुकी है। नापी की जाने वाले कर्मचारी लेखपाल रामा शंकर शुक्ला, लेखपाल मनोज कुमार, लेखपाल दुर्गा कानी को सूरजबली, नायब तहसीलदार यादव व तमाम लेखपाल के स्टाफगण एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा नापी की गई। और बताया गया कि नाली व चक्रोड जोतने वाले पर 151 धारा के तहत लेखपाल रमाशंकर शुक्ला के द्वारा चालान भी किया गया, लेकिन अभी तक हम असिंचित किसानगढ़ कोई सुनवाई नहीं किया गया है। हम प्रार्थी असिंचित किसानगढ़ अपने उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी व उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि सरकारी कच्ची नाली का मरम्मत कराया जाए, जिससे हम किसानगढ़ अपनी भूमि की रोपाई व सिंचाई सफलता पूर्वक कर सके। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए पप्पू सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट।